नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे थ्री फेज मेमू में जो आपका एलपी साइड पे डीडीयू लगा होता है, जो भी आपका ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है उसके बारे में जानकारी देंगे। उसका जो होम स्क्रीन आता है उस पे जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या शो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपका ये आपका डीडीयू लगाया है ये आपका ह्यूमन और मशीन के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, यानी यूज़र जो है आपके सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो होम स्क्रीन आता है ड्यूडी का, उस पर जो पैरामीटर शो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका टोटल 7 सेक्शन में डिवाइड होता है और एक एक करके सारे सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डीडीओ के ऊपर आपने सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे आपका जो हेडलाइन एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगर्ड ट्रेन नंबर, स्क्रीन की हेडिंग, डेट और टाइम के बारे में जानकारी मिलती है। इससे नीचे वाला सेक्शन आपका सेक्शन 2 हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सॉफ्ट की बटन दे रखे हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन एरिया है आप देख सकते हैं जो सॉफ्ट की हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज़ में एंट्री करने के लिए यहाँ पे सॉफ्ट की दे रखे हैं। तो जो आगे जितने भी सारे मेन्यूज़ दे रखे हैं उनकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ केवल जो उसका डीडीओ का जो होम स्क्रीन है उसका जो बेसिक पैरामीटर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं जो सेकंड सेक्शन एरिया है वहाँ पे आपको ड्राइवर और ब्रेक एक सॉफ्ट की है, दूसरा आपका एयर स्प्रिंग का है, तीसरा आपका एनर्जी ओवर का हो गया, फिर ब्रेक, फिर लॉगिन, फिर इवेंट्स, ड्राइवर मैसेज, फिर मेंटेनेंस मोड और उसके बाद लेजेंड्स और लास्ट में सबसे ज़्यादा आपका ब्राइटनेस का सॉफ्ट की बटन दे रखे हैं। यहाँ पे आपका जो सेक्शन 3 होता है वो आपका मेन स्क्रीन एरिया होता है। ये जो होता है क्या है, जो भी स्क्रीन का आपका जो रियल कंटेंट होता है, जैसे जो भी आपकी दोनों यूनिट काम कर रही हैं उसमें जो भी आपके जो नेसेसरी कंटेंट होते हैं, जैसे पेंटोग्राफ का सिंबल आ गया, लाइन कंट्रोल मॉड्यूल का सिंबल आ गया, ट्रांसफर हो गया, मेन कंप्रेसर हो गया, उनका यहाँ पे आपको सबका स्टेटस दिखाता है, चाहे जितनी यूनिट लगी हो, चाहे एक यूनिट है, दो यूनिट है, तीन है, चार यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, आपके रियल कंटेंट्स को शो करता है। सेक्शन 4 आपका क्या है, हायर प्रायोरिटी मैसेज फील्ड है। इस फील्ड में वही इवेंट्स जनरेट होते हैं जिसको मोटरमैन या फिर आपका लोको पायलट एक्नॉलेज कर सकते हैं। होता है क्या है कि प्रत्येक इवेंट के लिए, जो भी आपका इवेंट है, तो यहाँ पे इवेंट का सोर्स दिखाई देगा, साथ ही साथ उसका टेक्स्ट शो होता है और उसको एक्नॉलेज करने के लिए राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एक्नॉलेज बटन शो करता है। अगर ऐसा कोई इवेंट जो आपका नहीं है, जो आपका हाई प्रायोरिटी का हो, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका टेक्स्ट फील्ड और एक्नॉलेज बटन प्रेस नहीं किया, नहीं शो करेगा। अगला सेक्शन आपका स्क्रॉलिंग इवेंट्स एरिया, जो भी आपके जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पेंडिंग इवेंट्स हैं वो यहाँ पर इस एरिया में शो करते हैं, जो आपका स्क्रॉलिंग इवेंट्स एरिया होता है। यहाँ पे क्या करता है, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में दो कर्सर की हैं, तो जो भी आपके लोको पर ये मोटरमैन है वो जो आपके जो पेंडिंग इवेंट्स हैं उसको आप जो राइट हैंड साइड में कर्सर की दे रखी है उससे आप अप एंड डाउन करके उन इवेंट्स को आप पढ़ सकते हैं। फिर अगला सेक्शन आपका सेक्शन 6 है, ये क्या होता है, ये आपका पॉपअप मैसेज एरिया होता है। ठीक है, इस एरिया में क्या होता है, जो भी आपके मोटरमैन या लोको पायलट होते हैं उनके जो ट्रेन ऑपरेशन के कंडीशन के बेस पर क्या होता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैसेज डिस्प्ले करता है, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो अगर आप न्यूट्रल सेक्शन में आप एंटर कर रहे हैं और आपने जब ENS बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे पॉपअप मैसेज शो हो जाएगा एंट्री न्यूट्रल सेक्शन का। ठीक है, तो जो ट्रेन ऑपरेशन कंडीशन के बेस पर यहाँ पर आपका जो है मैसेज पॉपअप होता है। फिर आपका लास्ट सेक्शन है VMAX, ये वह एरिया है जहाँ पे आपको जो MPS है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है, यहाँ शो करता है। अगर आपने कोई ट्रैक्शन नहीं दे रखा है या ट्रैक्शन नहीं दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 0-4 शो करेगा। ठीक है, सेक्शन 2 के नीचे देखिए आपने जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, जैसे ऊंची वोल्टेज दिखाता है वहाँ पे, जो भी आपकी ऊंची वोल्टेज इस रेंज में आ रही है, फिर ऊंची करंट है, यहाँ पे आप ऊंची करंट को भी देख सकते हैं, फिर आपका मोड है, ये कॉस्ट में है, ब्रेकिंग में है, वो शो करता है, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे आपका स्पीड इंडिकेटर दे रखा है। ठीक है, तो साथ ही ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत धन्यवाद।